Hi everyone, this is me Naina Hussain and welcome back to my YouTube channel. So, आज का vlog बहुत ज़्यादा interesting होने वाला है, थोड़ा सा lengthy होने वाला है and बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है जी. तो सबसे पहले मैंने अपनी स्कूटी को धुलवाया, उसको साफ़ कराया अच्छे से, क्योंकि वो गंदी हो रखी थी बहुत टाइम से, वो उसकी क्लीनिंग नहीं हुई थी, ठीक है जी. फिर स्कूटी को धुलवा के अच्छे से फिर हम चले गांव की तरफ अपने, और फिर हम गांव में गए और वहां पे हमने बहुत बहुत ज़्यादा मस्ती की, मज़े किए, इतना मज़ा आया मैं बता नहीं सकती. थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने वहां पे क्या क्या किया. हम वहां पे नदी पे गए और मतलब मुझे नाम नहीं पता कहाँ कहाँ गए, लेकिन हमने वहाँ पे इतना ज़्यादा मज़ा किया, मतलब मैं बता नहीं सकती. बहुत बहुत ज़्यादा मस्ती की वहाँ पे और आप देख सकते हो स्पीड इतनी खुशी थी जाने की. आ गया है एंड आप सब देख ही सकते हो, ठीक है जी. तो अभी हम चलते हैं. ठीक है जी, जो ये ट्री है ना, ये हमारे गांव वाले घर में उगा हुआ है एंड इस पे बहुत सारे इतने सारे फ्लावर्स हैं. और पता है, जो भी पहले छोटी छोटी चिड़िया हुआ करती थी ना, उस उन्होंने मतलब दो चार अपने घोंसले बनाए हुए हैं इस पे. अब तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन गांव में हाँ अच्छी खासी देखने को मिल जाती है ये छोटे वाली चिड़िया, ठीक है जी. और फिर मैं ऊपर आ गई आप सबको दिखाने के लिए. मुझे कुछ कुछ याद है. ये जो ऊपर है, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे वो हुआ करते थे, पॉट्स रखे हुए होते थे, प्लांट्स रखे हुए होते थे. और ये हमारी किचन है जिसमें मामा रहा करती थी, मतलब यूज़ करती थी, ठीक है जी. और यहाँ पे हमारा वाटर टैंक रखा हुआ था. और जो ये है ना, यहाँ पे एक टैप लगी हुई थी, मुझे कुछ कुछ याद है, ठीक है जी. और मैं ना अभी आपको अंदर से दिखाती हूँ. मुझे ना बहुत कुछ याद है किचन का. पता है, जब हम गांव में रहा करते थे, मैं तो बहुत छोटी थी, तो यहाँ पे ना इसके डोर के पीछे एक ये थी, मतलब अलमीरा थी. और यहाँ पे ना मसालों के डब्बे रखे हुए होते थे और सबसे नीचे अचार का पॉट रखा हुआ था. तो मैं अचार खाती थी बहुत ज़्यादा, छोटी सी थी जब मैं मामू को परेशान करती थी कि मुझे अचार खाना है, और मुझे डांट भी पड़ा करती थी. मैं बहुत छोटी सी थी, मतलब ऐसा था, ठीक है जी. तो फिर अब मैंने दिखा दिया आपको. एंड पता है, जो हमारा ये रूम था ना, मतलब जिसमें मामा रहा करती थी, इसमें ना एक विंडो है ये वाली, और यहाँ पे मतलब ऊपर का पूरा व्यू दिखता है. जैसे ऊपर जाते हैं ना, मतलब एक गली है छोटी सी, वहाँ पे जा कर के ऊपर चले जाते हैं. यहाँ पे जो ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, इसमें हम खेला करते थे. और देखो ऊपर भी कितने छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने भी इनको व्लॉग में ले लिया, ठीक है जी. तो अभी ना मैं आप सबको दिखाती हूँ, जो हमारी साइड मतलब सामने वाली रूफ थी ना, उस पे गई मैं. और जाने के बाद इतना प्यारा सा व्यू आ रहा था इसका, ट्री का, इतने सारे फ्लावर्स आए हुए थे, बहुत प्यारे प्यारे. और मैंने ना यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ की वीडियोज़ बनाई, बहुत बहुत मज़ा आया वहाँ पे, ठीक है जी. तो फिर हम आ गए, मैं दिखाऊंगी. और गांव में मैं, जैसे मैंने बताया था ना कि जब मैं जाऊँगी तब वहाँ का व्लॉग बनाऊँगी, मैंने बनाया. और मैं आप सबको दिखा रही हूँ कितने सारे प्लांट्स यहाँ पे रखे हुए थे, वो सब पता नहीं कहाँ चले गए. और यहाँ पे एलोवेरा है और यहाँ पे बहुत सारे वो थे, क्या थे मतलब ये सारे प्लांट्स रखे हुए थे, ठीक है जी. तो पता है, ये ना ये दीवारों में से निकले हुए थे, हाँ सच में. और ये मतलब बाहर गली में जो ये था ना, ये कुछ भी कह सकते हो, मतलब यहाँ पे था ये फ्लावर वाला प्लांट, और ये मतलब इधर तक आया हुआ था. और वहाँ पे ये नल था, और ये हमारी गली है, ठीक है जी. तो और पता है, हमने बहुत सारे गन्ने भी खाए थे वहाँ पे जब हम गए थे, ठीक है जी. तो अभी मैं ना सबसे ऊपर दिखाऊँगी, जो हमारा रूम था और उसके ऊपर एक रूफ है, वहाँ पर चलते हैं, ठीक है. तो अभी ऊपर से इतना सुंदर, इतना प्यारा व्यू आता है. और पता है, ये जो ये रास्ता है ना, ये साइड वाला जो घर है, ये मेरे ताया का घर कह सकते हो आप, मतलब मेरे डैडी के ताया का घर है, ठीक है. तो वहाँ पे ऐसे चले जाते थे, उतर के आ जाते थे. और यहाँ पे बिल्ली आ गई, ठीक है जी. तो ये भी फेमस हो जाएगी मेरे व्लॉग में आके, ठीक है जी. और अभी मैं दिखाती हूँ आपको,
देखो ये ना यहाँ पे एक बॉल थी और यहाँ पे किसी ने एक पेंटिंग बनाई थी, मेरे को जानना है किसने बनाई थी। अगर किसी को पता हो प्लीज मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है? जो भी मेरे रिलेटिव्स या कोई भी इस व्लॉग को देखेंगे और जिनको पता होगा कि ये पेंटिंग किसने बनाई थी, मेरे को जानना है, प्लीज़ मेरे को बताना, ठीक है जी। और देखो कितना प्यारा व्यू आता है हमारे ऊपर से, मतलब सारे नीम के पेड़ दिखते हैं यहाँ पे, शहर में तो होते नहीं है ना, मतलब नीम के ट्रीज तो अब देखने को मिलते ही नहीं है बिल्कुल भी। और वहाँ पे तो इतने सारे, कहीं भी देखो ना बस नीम के पेड़ ही पेड़ नज़र आते हैं। और ये हमारे पीछे में एक गली थी और वो सामने जो घर था ना वो मेरे चाचा अबू का घर था, ठीक है। और देखो ये फरहान भाई का घर मैंने जूम करके दिखा दिया। फरहान भाई आपको कमेंट करना है, अटेंडेंस लगवा देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। तो ये फरहान भाई का घर है जिसको मैंने जूम करके दिखाया, ठीक है जी। और ये देखो फिर से मैं गन्ना खाने के लिए आ गई, मतलब मैंने खाया नहीं था, मैं व्लॉग में दिखाई थी कि देखो हम सब ने गन्ने खाए थे बहुत सारे, ठीक है जी। और ये अपनी एज ऑलवेज बच्चों वाली हरकत करते हुए सानिया बाजी, ठीक है जी। तो फिर ना अब होता है मेन चीज़ स्टार्ट, जब हम घूमने निकले, ठीक है जी। तो हम घूमने को इतना मज़ा किया, हमने इतने मज़े किए मैं बता नहीं सकती। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँगी, अभी देखना यमुना क्या करेगी, आप देखना यमुना को, यमुना क्या करेगी यहाँ पे, ठीक है जी। और पता है जो ये वाली शॉप है ना, इस वाली शॉप से हम चीज लाया करते थे गांव में। और ना ये देखो यमुना को, यमुना हाई कर रही है और मैं यमुना को चिढ़ा रही थी कि यमुना देखो तुम्हारा हम शक्ल, ठीक है जी। और पता है जो ये वाली शॉप है ना, ये वाले जयबीर अंकल की है और यहाँ से भी मैं चीज़ लाया करती थी। ये जयबीर अंकल बैठे हुए हैं। नमस्ते अंकल। और अब हम अंकल से मिलने के बाद अब हम ये मदरसा देखने के लिए आए और ये मैं आप सबको अंदर से दिखाऊंगी। और पता है यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के बर्तन या पता नहीं क्या बना रहा था, वो ये था, मैंने इसको भी व्लॉग में ले लिया, ठीक है जी। तो अभी मैं अंदर चलते हैं, अंदर से देखना आप सब। यहाँ पे ना बहुत सारे बाग हुआ करते थे, सामने अमरूद के पेड़ बहुत सारे हुआ करते थे, इतने अच्छे अच्छे अमरूद आते थे, मतलब खाने के लायक, कच्चे कच्चे नहीं आते थे, मतलब पहले कच्चे होते थे लेकिन वो बाद में अच्छे से पक जाते थे। और यहाँ पे ना एक अनार का पेड़ था बहुत बड़ा, यहाँ से हम अनार तोड़ करके लाया करते थे। अभी तो कुछ भी नहीं रहा यहाँ पे, पता नहीं सारे अनार के अमरूद के सारे पेड़ कटवा दिए, पता नहीं क्यों, अभी तो कुछ भी नहीं है, बट चलो खैर। और सामने ये सारे रूम्स थे जहाँ पे उर्दू पढ़ा करते थे, मैं तो कभी पढ़ी नहीं यहाँ पे, मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैं तो कभी पढ़ी नहीं, भाई वगैरह यहीं पे पढ़े थे, ठीक है जी। और सामने अभी देखना यहाँ पे भी मस्ती करने लगा इजहार और यमुना। यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा था, आप सब देख ही सकते हो। और ये हमारे फूफो जान, यहाँ पे कोई सीन हुआ था, मतलब मस्ती हो रही थी, मैं बता नहीं सकती यहाँ पे क्या हुआ था। तो चलो आगे देखते हैं। फिर आगे हम वापस से आए, ये पता नहीं धर्मशाला था क्या था, मुझे ये नहीं पता, ठीक है जी। फिर हम आगे गए, आगे जा करके फिर नदी पे गए। अब आप यमुना को देखना। ठीक
है जी, फिर चलते चलते एक ट्वेल आ गई और यहाँ पे हमने बहुत सारे फोटोज क्लिक किए, बहुत ज़्यादा मस्ती की और हमारी फूफा यहाँ मॉडल बनती हुई ठीक है जी। और फिर यहाँ पे ना मतलब हमने ट्वेल देखी, वो नहीं होती ट्वेल जो पानी आता है जिसमें, वो वाली ट्वेल ये रही। और वहाँ पे ये था, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा था, सारे खेत खेत थे वहाँ पे। और हमने ना गन्ने भी देखे, गन्ने जहाँ पे बूते हैं, और बहुत सारे फल फल सब्जियाँ देखी। और यहाँ पे पता नहीं गोभी थी शायद, हाँ यहाँ पे गोभी या फिर मूली थी, मुझे पक्का नहीं पता ठीक है जी। और जो सामने ये जो झोपड़ी सी थी ना, इसके ऊपर भी किसी चीज़ की बेल थी शायद ना, वो उसकी थी, अरे वो क्या कहते हैं उसको, वो घिया की बेल थी शायद, हाँ ये घिया की बेल थी। और फिर हम बस सीधे सीधे गए और अभी देखना। और यहाँ पे गोभी थी, मूली थी, और वो सामने वहाँ पे मिर्च का पेड़ था ठीक है जी। और फिर अभी ना मैं दिखाती हूँ, देखो मैंने जूम भी किया था गोभी का शायद से, हाँ गोभी, देखो ये रही गोभी, दिख गई ये रही गोभी। और मैंने मूली भी जूम की थी, मूली कहाँ गई, ये रही मूली, दिख गई ये रही ऊपर से ये रही ठीक है जी। मूली भी गोभी भी दिखा दी मैंने आपको ठीक है जी। तो फिर हम जहाँ पे वो धुआं उठ रहा है ना, वहाँ से हम ना वहाँ पे जाएंगे अब देखना ठीक है जी। तो फिर ना हम चलते गए और हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे ना गुड़ होता है ना जैगरी, वो बन रहा था यहाँ पे, हमने मैंने फर्स्ट टाइम बनते हुए देखा, और जहाँ पे बनता है वो भी देखा। बट अगर कोई एक बार इसको बनते हुए देख लेगा उसके बाद ये कभी नहीं खाएगा वो इंसान जैगरी कभी नहीं खाएगा अगर एक बार इसको बनते हुए देख लेगा ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे बनता है, तीन चार प्रोसेस होते हैं। पहले उसके अंदर रस को डालते हैं, गन्ने के रस को, फिर उसको वो दूसरे उसमें आ जाता है पक के, फिर उसको साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद वो तीसरे उसमें आ जाता है, तीसरे में आने के बाद वो चौथे में पूरा बनने के स्टेज पे होता है और वो बन जाता है मतलब ठीक है जी। तो फिर उसके बाद ना इन्होंने हम सबको मतलब हमने इन सब से वो लिया, गरम गरम गुड़ लिया, और इन्होंने ना हमें एक मतलब गन्ने की जो डंडी होती है उस पर कुछ लपेट के दिया शायद से, मतलब पता नहीं क्या था वो, मतलब ये था कच्चा गुड़ कह सकते हो आप, जो ज़्यादा बन जाता है या कच्चा रह जाता है, कुछ भी कह सकते हो, मतलब वो एक तरह से चटकन के जैसा था, चटकन बोल सकते हो आप उसको ठीक है जी। और फिर मैंने आगे आ करके दिखाई, ऐसा प्रोसेस चल रहा था वहाँ पर। फिर जैसे कि मैंने आप सबको बताया, उन्होंने हम सबको गुड़ दिया गरम गरम, हम सब ने गुड़ खाया ये सब देखने के बाद भी, क्योंकि गुड़ टेस्टी था, गरम गरम अच्छा लग रहा था। और ना इन्होंने हमें ये लपेट के दिया, मुझसे तो नहीं खाया गया, पता नहीं ये क्या सीन था, पर जो भी था मुझसे नहीं खाया गया और इन सब ने खाया बड़ा मज़े से, पता नहीं क्या था ठीक है जी। तो वो ये था, मैंने दिखाने के लिए लिया था, कभी आप ये सोचो किसने तो खाया भी था ठीक है जी। और ये इस वीडियो का सबसे खूबसूरत पार्ट था, क्योंकि यहाँ पे ये नदी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मन लगा, जितनी भी जगह अभी हम होकर के आए यहाँ बहुत मन लगा। और ना ये इतनी खूबसूरत थी मतलब बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे ना जैसे सनसेट डूब रहा था वहाँ पे, इतनी अच्छी अच्छी इमेजेस ली हम सब ने, फ़ोटोज़ क्लिक किए, और मतलब बहुत ज़्यादा मन लगा। और यहाँ पे ना पानी की आवाज़ भी आ रही थी, मैं आप सबको सुनाती लेकिन मैंने इसकी वॉइस बंद की हुई है, इतना अच्छा मतलब व्यू आया था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा ठीक है जी। तो फिर बस ये था एक व्लॉग। और जब हम घर पे आने के बाद हमारी कुछ ऐसी हालत थी पैरों की भी ठीक है जी। और तो अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे आते ही सार, बस आए खाना वाना खाया और उसके बाद सो गए। और सुबह का व्यू कुछ ऐसा था, अभी सूरज अच्छे से निकला भी नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा मन लगा वहाँ पे, अच्छा था ठीक है जी। तो ये था एक छोटा सा व्लॉग, आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, आप सबने इन्जॉय किया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।